अभी हम सूरत से पहले अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद से फिर अजमेर जाएंगे। गाइस मूड स्विंग हो गया, सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने आंकड़े हो गए यहाँ के ऑटो वाले। मारा मार दे 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 डाल दे दे अंदर। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगी और आगे भी बढ़िया ही रहना। सो मेरा कब से बहुत दिनों से जाने का हो रहा था अजमेर अजमेर अजमेर, और मेरे को ऑलरेडी दो बार ड्रीम्स आ गए कि मैं अजमेर में हूँ। सो अभी जस्ट हम लोगों का अचानक से प्लान बना और हम लोग अभी निकल रहे हैं अजमेर के लिए। अभी एक मेरे दोस्तार का कपड़े लेने आए, मतलब पैकिंग करने आए। सो अभी पैकिंग वैकिंग करते, मेरी तो पैकिंग डन हो गई है, अभी पैकिंग वैकिंग इसकी करते और निकलते। सो देखिए गाइस, अभी हम बस में बैठ गए और अभी निकले नहीं है, देख सकते हो आप लोग, अभी थोड़े टाइम में निकलेंगे। और ये मेरा दोस्त भी आ गया है, यहाँ हमारी सब पैकिंग भी हो गई है। अभी हम सूरत से पहले अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद से फिर अजमेर जाएंगे। अभी हम पहुँचेंगे करीब करीब 5 बजे तक, हम सुबह 5 बजे तक अहमदाबाद पहुँचेंगे, फिर अहमदाबाद से अजमेर के लिए निकलेंगे क्योंकि वहाँ से भी बहुत से दोस्त लोग आने वाले हैं। सो देखते हैं अभी अभी सुबह के 5 बज रहे और हम लोग लगभग अहमदाबाद पहुंच ही गए हैं, मतलब थोड़ा ही दूर है, पहुंच तो गई है अहमदाबाद, बस हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए थोड़ा ही दूर है, 5 या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। सो ये देखो ये बेटा है यहाँ पर, और अभी वहाँ पर हमारे को कुछ दोस्त लेने आएंगे और फिर वहाँ से घर जाएंगे, घर जाके थोड़ा फ्रेश होइए और फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके और हेड सेट करके शाम होते ही हम हमारी टिकट्स बुक करने आ जाते हैं। यहाँ पर इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, देख सकते हो आप लोग, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या मालूम, दिन भर मतलब लोग बढ़ते जा रहे हैं अपने आप। गाइस सूरत से जो लोग आ रहे थे वो लोग भी आ चुके हैं और ये तो साथ में ही था, ये तो पता ही है। अभी आप थोड़े टाइम में निकलेंगे हम लोग, थोड़े टाइम में अभी हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट अजमेर के लिए, मतलब 1 घंटे में अजमेर की बस आ गई और हम लोग डायरेक्ट निकल गए। गाइस देख सकते हो शुरू होते खत्म हो गया, टायर पंचर हो गया, मोए मोए हो गया, मोए मोए। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अजमेर के लिए, बस में भी बैठ चुके हैं हम लोग, अभी लगभग लगभग हम 5 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे, सुबह 10 बजे तक तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे। और आपको पता है हमारे साथ कितने लोग हैं? 7 हो गए, कम से कम 15 से 16 लोग हैं हमारे साथ, मतलब पूरा ग्रुप जा रहा है। अहमदाबाद से बहुत सारे लोग निकले, सो अभी पहुँचते हैं सुबह अजमेर और आपको बताते हैं वहाँ का व्यू, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो भी है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गो गाइस, अभी एक स्टॉप लिया है वो भी थोड़ा बहुत फ्रेश होने के लिए, अभी फ्रेश तो हो ही गए हम लोग, अब वापस बस में जाएंगे और फिर रिटर्न वापस निकल जाएंगे अजमेर के लिए। और हाय गाइस, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, तमाम सब का सब सब ऐसा रात के 3 बजे और यहाँ हमारा में साथ है ख्याल तेरा ही ख्याल आए। देख सकते हो सब सोए हुए, गाइस मूड स्विंग हो गया। देख सकते हो आप। A few moments later. पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास देखो कौन अपने जहर आया यार, काले हटोड़ी अपने घर क्या बस में आया यार, ब्लैक निंजा। नाइट्रोजन लिक्विड सब शेयर हो रहा है यहाँ पर। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अभी हम लोग यहाँ तो पहुँच चुके हैं राजस्थान में, बट यहाँ से ऑटो करके हमारे को जाना पड़ेगा अजमेर शरीफ दरगाह, और वहाँ जाने के लिए ऑटो वाले भाई
मैंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अकड़ू हो गए यहाँ के ऑटो वाले भाई। बट अभी सब यहाँ पे सब मेरे दोस्त लोग बैठे हैं, अभी देखते हैं। मेरे को डूब रहा है, अभी जुम्मा की नमाज छूटी जाएगी हमारी। फाइनली हमें एक कार मिल चुकी है, ये इनका थोड़ा बहुत गुजरात से हमें सही लगा, इसलिए थोड़ा बहुत आ गए। अब देखते हैं जैसे तैसे करके पहुंचते हैं, फिर भी जो डेस्टिनेशन पे जाना है हमें, वो डेस्टिनेशन पे तो नहीं जा पाएंगे, वहाँ से थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत। तो फाइनली गाइस अभी हमारे को रूम मिल चुके हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, मान मन्नतों के बाद इतना खतरनाक हमें मिला है ना भाई, पूरा दिमाग आउट हो गया। हम लोग यहाँ 1:30 बजे आए थे और अभी बज रहे यहाँ अभी बज रहे 3:30। हमारे को 2 घंटे खाली रूम ढूंढने में लग गए, ना हमने अभी तक खाना खाया है ना नहाया है, और 2 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ आप लोगों को पता ही है। 48 घंटे में से खाली 4 घंटे खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और क्राउड तो बहुत ही होने वाला है क्योंकि आज छठी भी है, मुहर्रम का 5th डे भी है। तो गाइस अभी हम नहा धो के एकदम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और खाना वाना भी खा लिया है, अब बस थोड़ी देर में निकलेंगे अजमेर शरीफ की तरफ, मतलब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अब उतरेंगे होटल के बाहर निकलेंगे तो दरगाह आ जाएगी, सो अभी जाते हैं दरगाह में और सलामी देते हैं, और वहाँ पे फिर रात में कुछ प्रोग्राम भी हो गया वो भी अटेंड करेंगे। सबकी वीडियो आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। मुझे क्यों तोड़ा? The next day. आज है next day और आज है छठी, और आज इतना क्राउड होने वाला है ना जिसकी कोई हद नहीं, बहुत क्राउड होने वाला है। आप लोगों को बताऊंगा, बस जस्ट मैं नहा धो के निकला हूँ, अब जाएंगे नमाज पढ़ेंगे और ज़ियारत करेंगे। तो let's see. और फिर घर जाते जाते थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करते जाते हैं। क्या क्या बैग में डालने के लिए निकाल रहा है गाइस, अभी हमारा सब घूमना फिरना हो गया है, सब सलामी वाला भी देख के आ गए हैं, और ये देखो ये बैग में डालने के लिए अभी चेकिंग पे आए गए, तो बोले चेकिंग पे आने से पहले बैग में डाल के निकल लो। अब क्या बोलना बता, हम लोग यहाँ पे रहने नहीं, चोरी करने आए। गजब टूबी बाजार।